तो शायद बैंक बैलेंस, सोशल स्टेटस, इस तरह के जितने भी पहलू हैं और ये ताकत है, इस चीजों को जो है वो तरक्की समझा जाता है। शरीयत मुताहरा में इस चीज को जो है वो तरक्की नहीं समझा जाता, बल्कि खालिक कायनात जल्ला वाला जुमला वो आला इंसानी औसाफ कि जिसके सबब एक तरफ शर्फ इंसानी भी बहाल रहे, दूसरी तरफ दूसरी इंसानी मखलूक जो है वो भी उससे अमन और सुकून में रहे, और तीसरी तरफ अल्लाह ताला जल्ला वाला की बारगाह में इज्जत के पहलू जो है वो भी मौजूद रहे। तो खालिक कायनात जल्ला वाला ऐसी तरक्की का सिलसिला बंदा मोमिन को अता फरमाता है। अब देखिए लिखा है कि मद अफलह अल मोमिनून, तहकीक कामयाब हो गए, मुराद को पहुंचे। कौन? अल मोमिनून, जो असहाबे ईमान है। लिहाजा इससे पता चला कि जो तरक्की है यानी कि कामयाबी है, इसके लिए सबसे पहला जो नुक्ता है या सबसे पहला जो स्टेप है या सबसे पहली जो मंजिल है वो क्या है? ईमान है। अब ईमान क्या है, इसको भी आसान लफ्जों में समझ लें। यकीन कामिल, जिस निजाम पर हमने रखा है ना, उस निजाम यकीन कामिल का नाम ईमान है। और अगर दूसरी तरफ आ जाए इसके एक और पहलू को देखते हुए, तस्लीम कर लेना, जिस निजाम पर हमने यकीन रखा है उसी को तस्लीम कर लेना और उसी पर अमल पैरा हो जाना। तो ये यकीन कर लेना और तस्लीम कर लेना, ये दोनों चीजें क्या है? ये ईमान के रस्ते पे आती है। तो सबसे पहला क्या है? पहलू ईमान वाला हो, साहिब यकीन हो और साहिब तस्लीम हो। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर आप गौर करें थोड़ा सा मुआजना करते हुए, मगरिब ने जो हमें तरक्की का रास्ता दिया उसमें किसी एक रस्ते पर यकीन नहीं है, उसमें जो भी रास्ता सामने आएगा जो उसकी तरक्की के लिए जरूरी है वो उसको अडॉप्ट करता चला जाए, हलाल और हराम का फर्क किए बगैर वो आगे बढ़ता चला जाए और सिर्फ उसको अपनी मंजिल जो है वो अचीव करनी है, इसके अलावा उसके सामने कोई ऐसा पहलू नहीं है। लेकिन खालिक कायनात जल्ला वाला बंदा मोमिन को उसके यकीन के एतबार से एक रास्ता देता है कि तुमने जिस रस्ते पर आ गए हो अब इसी रस्ते पे तुमने गामजन रहना है और इसी पर तुमने आगे बढ़ने का इंतजाम करना है। तो फरमाया बद अफलह अल मोमिनून, तहकीक मुराद को पहुंचे, कामयाब हुए कौन लोग? साहिब ईमान। अब जरा देखिए इस ईमान की बरकत क्या है, इसके फवायद क्या है। एक बंदा है काफिर, एक है मोमिन। काफिर के पास जमीन से लेकर आसमान तक का सोना है, क्योंकि सोने से बढ़ के कीमती चीज और कोई नहीं है। आज करेंसी को सोने के मुकाबले में ला खड़ा किया गया, हालांकि करेंसी की वैल्यू भी आप देख रहे हैं कितनी तेजी से गिर रही है और कितनी तेजी से मईशत के लिहाज से कमजोरी का सामना है, लेकिन वैल्यू किसकी? असल में आज भी जो वैल्यू है वो सोने की है। सोना है या सोने के जो मुआफकात में जो चीजें मौजूद हैं, मुआफिक चीजें जो मौजूद हैं, उनकी वैल्यू आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है। अगर किसी बंदे के पास सोना है, क्योंकि शरीयत मुताहरा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बाकायदा तीसरे पारे के अंदर यहूद का तर्ज अमल बयान किया खालिक कायनात जल्ला वाला ने, कि अगर किसी बंदे के पास सोना है, क्यामत के दिन वो अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो और जमीन भर के सोना लाए और लाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करे कि खालिक कायनात ये जमीन भर के सोना मेरे से ले लिया जाए और एक बारिश भर अल्लाह अपनी रजा और अपनी जन्नत अदा फरमा दे, तो खालिक कायनात जल्ला वाला फरमाते हैं कि उस बंदे उस फर्द से जो जिंदगी के अंदर सारी जिंदगी कुफर पर रहा, यहां तक कि वो फौत भी कुफर पर हुआ, खालिक कायनात जल्ला वाला उसके पास से वो जमीन पर सोना कबूल नहीं करेगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ ये यकीन वाला बंदा मोमिन अगर जमीन में दुनिया में रहते हुए एक खजूर सदका करेगा, और सोना ये हासिल करने का नाम है और सदका करना ये इसार करने का नाम है, इस रविश को अपनाएगा, हबीब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क्यामत के दिन बंदा जब अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो खालिक कायनात जल्ला वाला पहाड़ बराबर सवाब उसके नामे आमाल में रखेगा। बंदा अर्ज करेगा कि मौला मैंने ऐसा किया, क्या किया? तो हबीब अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह से उसे बताया जाएगा कि वो तूने जो एक खजूर सदका की थी, उस खजूर सदका के कि जिसने खाई उसकी जिंदगी के अंदर जिस्म में जो खून पैदा हुआ, उससे जो सलाहियत पैदा हुई, उससे जो उसने आमाल सालिहा किए और फिर आगे उससे जिस जिसने आमाल सालिहा सीखे उन सब का सवाब अल्लाह ताला जल्ला वाला तुम्हें अता फरमा रहा है। तो ये ईमान के सबब आमाल की कितनी बरकत है, ईमान की कितनी वैल्यू है। इसी तरीके से अजीज दोस्तों, अभी चूंकि ईमान का सिलसिला कि ईमान की इतनी बरकत है कि अगर कोई बंदा ईमान वाला दुनिया में 70 साल तक जिंदगी गुजारता है, 80 साल तक जिंदगी गुजारता है, यहां तक कि उसका ईमान पर ही मिसाल होता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहले साल से लेकर 70 साल तक उसने जो ईमान पर जिंदगी गुजारी, यानी कि
कुफर का मुकाबला करता रहा और ईमान से उसने अपना जो है वो पांव नहीं हटाए, ईमान पे वो कायम रहा। नबी इस्लाम ने फरमाया कि जब वो 70 साल की उम्र को पहुंचेगा, खालिक कायनात जल्ला वाला उसके पिछले सारे गुनाह माफ फरमा देगा। ईमान की बहाली है तो रब तआला जल्ला वाला फरमाते हैं कि अब ईमान से आगे सिलसिला जो है वो चलना है। खालिक कायनात फरमाते हैं बल अफलहुल मुमिनून, तहकीक के जो है वो मुराद को पहुंचे कौन लोग, जो कामयाब है, जो कि ईमान वाले हैं। खालिक कायनात जल्ला वाला अब आगे ईमान वालों की सिफतें बयान फरमाता है। अजीज दोस्तों, हमने सिर्फ अपने आप को ईमान वाला नहीं रखना, यानी कि सिर्फ इस नहीं रखना कि हम साहिब यकीन है, साहिब ईमान है। अब आगे जिंदगी के दौर जैसे चाहे होती रहे या जिस तरह चाहे अपना वक्त गुजारा जाए, खालिक कायनात जल्ला वाला बाकायदा वो सिफात अता फरमाता है जिन सिफात के जरिए बंदा जो कामयाबी का सिलसिला है वो तेजी से बंदे के करीब आ जाता है और बंदा कामयाबी जो है वो उसको तेजी से पकड़ लेता है, वो सिफात भी अता फरमाता है। आज के खास तौर पर जो सबक है वो हमने ये सिफात ही अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करनी है। रब तआला फरमाते हैं सबसे पहला वस्फ है ईमान के बाद जो बंदे की जिम्मेदारी भी है और वो है अल्लज़ीन हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, कि जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और नमाज में खुशू खुजू करते हैं। अब दो चीजें बयान को अल्लाह तआला ने बयान फरमाई। अब नमाज के लिहाज से इंशाल्लाह तफसील से मैं फिर इंशाल्लाह अर्ज करूंगा, लेकिन अजीज दोस्तों याद रखिएगा, अगर कोई बंदा यह चाहता है कि मेरे ईमान में बहार रहे तो उसको चाहिए कि वो नमाज को कायम करने का इहतमाम करे, ये फिर ईमान में बहार का सिलसिला भी रहेगा। लेकिन जो ईमान वो नमाज जो ईमान में बहार लाती है वो कौन सी नमाज है, वो है खुशू खुजू वाली नमाज, वो खुशू खुजू वाली नमाज है। ठीक है, अब खुशू खुजू से मुराद क्या है, एक बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ते हुए ऐसे उसने सर झुकाया हुआ है, यानी कि अपने आप को अल्लाह की बारगाह में बहुत ज्यादा आजिज बंदा बना के पेश कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बंदा नमाज पढ़ रहा है और वो बंदा अपनी आंखों को झुकाए हुए और आमाल उसके बता रहे हैं कि ये बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़ा है। हजरत अपने फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में आपने एक बंदे को देखा कि उसने ऐसे सर झुकाया हुआ, तो जब नमाज पढ़ने के बाद आपने उससे पूछा बताओ जरा तुम ये क्या कर रहे थे, कहने लगा रब तआला का हुक्म है कि नमाज में खुशू खुजू किया जाए, तो मैं खुशू खुजू कर रहा था, यानी कि अपने आप को झुका रहा था। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु के खुशू खुजू से मुराद ये नहीं है कि बंदा सर को तो झुकाए हुए हो और ख्याल उसके कहीं और भटक रहे हो, बल्कि खुशू खुजू का मतलब यह है कि तवज्जो हाथ सारी की सारी रब तआला की बारगाह की तरफ, ये खुशू खुजू है। एक बंदा नमाज में तो खड़ा है लेकिन कभी सोच इधर सोचता है, कभी उधर सोचता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है, और हर उज़्व में वो ना जाने कितने बार वे वो अपनी खुजली करता हुआ नजर आता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको नमाज में वो सुकून और इत्मीनान और आजिज़ी का पहलू मुयस्सर नहीं है जो कि खालिक कायनात जल्ला वाला की बारगाह में मतलूब है। इस लिहाज से उसको चाहिए तो वो क्या करे, नमाज में खुशू खुजू का जो वो एहतमाम करे। अजीज दोस्तों यहाँ पे ये बात भी वाज़ेह रखिए, ये इस्लाम का तर्ज़ अमल है कि इस्लाम बंदों को अपने मानने वालों को अपने मुकाबले में, यानी कि अपनी बारगाह में खड़ा होने के लिहाज से, अपनी बंदगी के लिहाज से, एक है बंदे का रब की बारगाह के लिहाज से ताल्लुक और एक है बंदे का कुफार के लिहाज से और मुशरिकीन के लिहाज से मामला, उसके लिहाज से उसका तर्ज़ अमल और है, और एक है रब तआला की बंदगी के लिहाज से उसका मामला, यहाँ पे तर्ज़ अमल और है। ठीक है, अब यहाँ पे तर्ज़ अमल क्या है, कुरान मजीद फरमान हमीद के अंदर खालिक कायनात जल्ला वाला इरशाद फरमाता है यहूद का तर्ज अमल बयान करते हुए। यहूद ये दावा करते थे और आज भी उनका दावा है, लेकिन उस दावे के पीछे उनके अमल की कोई हकीकत नहीं है। लेकिन खालिक कायनात जल्ला वाला ईमान वालों को दावा के साथ साथ दलील भी अदा करता है कि तुम्हारे दावे की दलील भी तुम्हारे पास होनी चाहिए। उनका दावा क्या था, उनका दावा फकत ये था कि हम ईमान वाले हैं, ठीक है, हम अपने तई ईमान रखते हैं और अपने तई सारे पहलुओं को जानते हैं और उसमें जो यकीन रखे हुए हैं, ये उनका तर्ज अमल था। लेकिन आगे उसके अहकाम पर अमल पैरा होना यह पहलू उनके पास नहीं था, ठीक है, आज भी आप देख रहे हैं यह पहलू उनके पास नहीं है। खालिक कायनात जल्ला वाला ने उनके दर से अमल के बारे में इशारा फरमाया और वो समियाना व असैना, वो कहते थे कि हमने सुना और हमने नाफरमानी की, ये उनका दर्ज अमल। और नाफरमानी कब पैदा होती है, जब तबीयत में सरकशी आ जाए, जब तबीयत में बगावत आ जाए, तब तबीयत जो है वो अपनी मानी जिंदगी की तरफ जो उछल पड़े तो फिर क्या कैफियत होती है, नाफरमानी का सिलसिला पैदा हो जाता है। लेकिन खालिक कायनात जल्ला वाला अहले ईमान का तर्ज अमल क्या बयान फरमाते हैं, कालू समियना व अताना, कि हमने सुना और हमने इताअत की, ये है अहले ईमान का तर्ज अमल। और ये इताअत का पहलू कहां पैदा होता है, जहां पे खुशू खुजू होता है, जहां पे आजिज़ी होती है, और रब तआला जल्ला वाला की बारगाह के लिहाज से जिस बंदे ने
सरकशी का सिलसिला अपनाया तो याद रखिएगा वो इस सरकशी के ताबूत में और इस सरकशी के भवन में ऐसा फंसेगा कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि हकीकत किधर है, हक और बातिल के दरमियान फर्क क्या है। लेकिन जो बंदा इताअत के रस्ते को अपनाता है आजिज़ी के साथ अल्लाह ताला की बंदगी के लिहाज से, उसकी बारगाह में खड़ा होने के लिहाज से और उसकी बारगाह में बंदगी का पहलू अपनाते हुए, तो उसमें क्या तर्ज़ अमल दिया गया, आजिज़ी का एहतमाम करे। आज के इस दौर के अंदर अजीज दोस्तों सबसे बड़ा हमारी सोसाइटी में हमारी नौजवान नस्ल और हमारी इस वक्त की जो जनरेशन है उसमें जो चीज डाली जा रही है वो ये है, तबीयत के अंदर बगावत है और तबीयत में सरकशी डाली जा रही है। इसी वजह से बहुत से नौजवान अल्लाह के हुक्म के मुकाबले में खड़े होते नजर आते हैं। यहां तक कि वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ दीन के मुकाबले में मजहब की सूरत में लाके खड़ी कर दी गई उनको फौरन क्यों कबूल कर लिया जाता है, क्योंकि इधर सरकशी का पहलू आता है। और इसी तरह फैशन है और मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन है जो सुन्नत के मुकाबले में मुद्दा टकराव की सूरत में है, वहां पर भी आज का मुसलमान नौजवान क्यों भागता हुआ जा रहा है, उसकी वजह यह है कि उसकी तबीयत के अंदर गैर महसूस तरीके से सरकशी इंजेक्ट कर दी गई है। अजीज दोस्तों ये याद रखिएगा खालिक कायनात जल्ला वाला आले ईमान को सरकशी की तरफ जाने का हुक्म नहीं देता बल्कि सरकशी को कंट्रोल करने का हुक्म देता है कि उसकी तरफ नहीं जाना, उसको अगर तुमने जो खुला छोड़ दिया तो ला महाला वो तुम्हें उस मकाम पे ले जा खड़ा करेगा जहां पे तुम वापस आना भी चाहोगे तो नहीं आ सकोगे। अब आईसी के बाद अगली आयत कीमा देखिए मुख्तसरन इसको बयान करते हैं। रब तआला जल्ला वाला फरमाता है और ये चीज आज के इस दौर के एतबार से बड़ी वजाहत तलब है, इसको इंशाल्लाह मैं अगले निश्चित पर तफसील के साथ बयान करूंगा। खालिक कायनात फरमाता है वल्लदीना हुम अनिल लग्वी मुरिदून, लग्व के जो बेहूदा बातों उसकी